हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे SMD के बारे में। SMD यानी सरफेस माउंट डिवाइस। ये जो हमारे डिवाइस है ये साइज में बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही हल्का होता है, जिसे यूज करने के कारण हमारा जो सर्किट है वो छोटे हो जाते हैं और साइज में हल्के हो जाते हैं। SMD को यूज करने का जो मेथड है उसे हम SMT यानी कि सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसे यूज करने का भी कुछ ये तरीका है कि हम जब PCB डिजाइन करते हैं और हमें जहाँ पे कंपोनेंट प्लेस करने होते हैं, हम वहाँ पे एक पेट लगा देते हैं और हमारा जो SMD कंपोनेंट है हम वहाँ पे उसे माउंट करते हैं, उसे प्लेस कर देते हैं और एक अवन में डाल के उसे हीट करते हैं, तो जिसके कारण हमारा जो SMD है वो हमारे सर्किट में फिक्स हो जाता है। और इसकी यूज करने के कारण हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है PCB डिजाइन करने का, किसी सर्किट को डिजाइन करने का, वो कुछ इस तरीके से था कि हम जब PCB डिजाइन करते थे और हमें जहाँ पे कॉम्पोनेंट प्लेस करने होते थे वहाँ पे हम ड्रिलिंग करते थे और हमारे जो कॉम्पोनेंट के लीड थे वो हम हमारे PCB के जो होल थे हम उसके अंदर डाल के हम सोल्डरिंग करते थे। लेकिन SMD बहुत ही छोटा कंपोनेंट है और उसके जो टर्मिनल्स है वो बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि उसके टर्मिनल्स ही नहीं होते, तो जिसके कारण हमें ये जो ड्रिलिंग का मेथड है ये अवॉइड कर देते हैं हम और हम डायरेक्टली हमारे सर्किट में SMD को प्लेस कर देते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के हमारे जितने भी सर्किट आ रहे हैं वो ज्यादातर डबल साइडेड PCB होते हैं, यानी जो हमारा जो सर्किट होता है वो दोनों साइड प्रिंट किया गया रहता है, तो वहाँ पे ज्यादातर हम SMD को यूज करते हैं और जो ड्रिलिंग का प्रोसेस है वो हम अवॉइड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।